हरे कृष्णा, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल कृष्णमयी। कहते हैं कि वृंदावन वही जा पाता है जिस पर राधा रानी कृपा करती है, और आज हम लोग को वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम लोग फिर से वृंदावन जा रहे हैं। फिर से मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मैं वृंदावन जाके आ चुकी हूँ, तो फिर से राधा रानी जी ने हमें मौका दिया है कि हम लोग फिर से उनके धाम पर जाएं। तो आइए चलते हैं और आपको भी दर्शन करवाते हैं। तो हम लोग अभी पहुँच चुके हैं मथुरा, और अभी हम लोग जा रहे हैं बस स्टेशन की तरफ। ये मथुरा की रोड है, ये बस स्टेशन भी जाती है। चलिए चलते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गोवर्धन। हम लोग गोवर्धन की बस में बैठ चुके हैं और इसके बाद हम लोग जाएंगे गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए, और आज रात हम वहीं पर रुकेंगे। तो चलिए। हरे कृष्णा। तो हम लोग अभी पहुंच गए हैं धर्मशाला में, जो कि गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के बगल में ही है, और इस धर्मशाला का नाम है एकता सेवा सदन, और ये बहुत पुराना है यहाँ पे। और यहाँ पे रूम्स भी काफ़ी बहुत ही ज़्यादा क्लीन है, मतलब आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे रूम्स हैं। ये वाला एक रूम है जो हमने लिया है, इसका कॉस्ट है 500। तो 500 का हमने रूम ले रखा है अभी। और अभी हम लोग फिर यहाँ पे प्रसाद पाने जाएंगे। तो जो यहाँ पे जो खाना है वो 75 रुपये प्लेट में है, तो 75 रुपये देंगे आपको, जितना भी खाना है आप प्लेट में खा सकते हो। तो काफ़ी अच्छा है ये धर्मशाला। हम लोग अभी अभी पहुँचे हैं, और यहाँ से हमें एक ID भी मिली है। ये ID, ये अभी हम परिक्रमा करने जाएंगे, तो उसके बाद अगर हमें लेट हो जाएगा तो ये ID दिखा के ही हम लोग यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे गोवर्धन परिक्रमा में, बने रहिएगा हमारे साथ। 9:16 हो रहे हैं, और हम लोग निकल रहे हैं गोवर्धन परिक्रमा के लिए। और मैंने अपना ये जपमाला का बैग रख लिया है, टाइम मिलेगा तो मैं जप करूँगी। और हम लोग पहले सोच रहे थे कि पैदल ही जाएंगे, पर अभी टाइम नहीं है हमारे पास, और सुबह फिर हमें जाना भी है, तो हम लोग ऑटो से ही जाएंगे परिक्रमा के लिए। तो फिर चलिए चलते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं अभी परिक्रमा के लिए। लाल लाइट है ये मंदिर। तो ये मंदिर आ गया है, और यहाँ से भी परिक्रमा स्टार्ट हो गई। मंदिर चलते हैं। तो हम लोग पहुँच गए हैं श्री गिरिराज जी के मंदिर में, और यहीं पर से परिक्रमा शुरू होगी हमारी गोवर्धन की, 21 किलोमीटर की जो परिक्रमा है। लोग अभी पहुंच चुके हैं पुचरी का लौठा मंदिर में। ये मंदिर श्री लौठा जी का है, जो कि श्री कृष्ण के मित्र थे, और जब श्री कृष्ण द्वारका जा रहे थे तो उन्होंने इन्हें भी अपने साथ चलने को कहा, पर उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं जाना चाहता हूँ और मुझे तुम्हारे जाने का भी दुख है। तो श्री कृष्ण जी से ये बोलते हैं कि जब तक आप वापस आएंगे तब तक मैं, जब तक आप वापस नहीं आएंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि आपके मेरे वापस आने तक आप बिना अन्न जल के यहाँ पर जीवित रहेंगे। तब से श्री लौठा जी यहाँ पर श्री कृष्ण के दिव्य वरदान के कारण तपस्या कर रहे हैं, और बिना अन्न जल ग्रहण किए वो जीवित है। अभी हम लोग जा रहे हैं मुखारविंद मंदिर की तरफ। यहाँ पर जो मंदिर है, यहीं से कहा जाता है कि इसी मंदिर से
जिस मंदिर में हम अभी जा रहे हैं उसी मंदिर से श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था। तो आपको भी दर्शन करवाएंगे हम उस मंदिर के, चलिए हमारे साथ। अभी हम लोग छोटी परिक्रमा मार्ग पर चल रहे हैं, यहाँ से छोटी परिक्रमा स्टार्ट होती है। अभी 9 किलोमीटर वाली है, ये 9 किलोमीटर वाली है ना, अभी 12 वाली होगी ना। तो ये है रास्ता राधा कुंड और श्याम कुंड का, हम जा रहे हैं कराएंगे। अभी तो 10:30 हो गए। हाँ ये वाले आगे जगह जगह रक्षा कर। ब्लैक गेट है वहाँ। नहीं नहीं ये तो मंदिर है, आगे है, थोड़ा सा हमें चलना पड़ेगा गौतम। तो यहाँ से मेन रोड से लगभग 1 किलोमीटर आगे है राधा कुंड और श्याम कुंड, और हम अभी पैदल चल रहे हैं। अभी ये 10:40 हो गए हैं, तो देखते हैं कब हम पहुँचते हैं, फिर आएंगे वापस, फिर आगे की परिक्रमा करेंगे। हाँ कोई चुनाव नहीं ज्यादा, जब मैंने पंचायत में राम नाम आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। मंगल मार्ग श्री गिरिराज बाबा के धाम में पधारे यात्री कृपया थाम। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये जो है, देखिए ये मतलब असली गोवर्धन पर्वत है, असली तो है ही। वैसे जहाँ पे आप परिक्रमा कर रहे हैं वो भी असली है, मतलब मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कि जो गोवर्धन पर्वत है वो ऐसा दिखता है थोड़ा थोड़ा। मतलब हम गोवर्धन पर्वत को नहीं देख पा रहे थे ना, हम सिर्फ परिक्रमा कर रहे थे। तो ये है गोवर्धन पर्वत, पत्थर बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पर, और पेड़ भी आप देख सकते हैं जैसे सूखे सूखे पेड़ हैं। तो इसी तरह का ये जो आप दर्शन कर रहे हैं ये गोवर्धन पर्वत के दर्शन हैं। Thank you.
हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग आ गए हैं वापस से अपनी धर्मशाला में, एकता सेवा सदन में, और अब हम कल जाएंगे वृंदावन सुबह। अभी हम सो रहे हैं, अभी 12 बजने वाले हैं, तो कल मिलते हैं। हरे कृष्णा।